कुत्ता भी डर जाएगा। आज ही बेचती है भाई। दूर हट के खुशबू भी नहीं आनी चाहिए। बट भाभी खुद लाई थी मार्केट से। तैयार कितनी देर में हो? नहीं नहीं शुक्र है, अभी देखते हैं मम्मी को मैंने बनाया। Hey guys, welcome back to my YouTube channel with a new vlog. So, अभी just ready हुई हूँ और आज है करवा चौथ, तो मम्मा और भाभी दोनों का व्रत है। सो अभी भाभी रेडी हो रही है, मैं दिखाती हूँ आज उनका लुक। और मम्मा रेडी होकर अभी नीचे गए हैं, तो मम्मा का भी लुक दिखाते हैं आज। और रात को तो रेडी होने पार्लर ही जाना है शायद दोनों ने, या पता नहीं मम्मा ने उसे भाभी ने, देखते हैं रात का क्या सीन है। क्यों नहीं लगेगा, आने लग गया, आगे लग जाओ। गुठली बना दो। गुठली ही बनानी है पूरा दिन। गए गए। अभी रुक जाओ। भाभी का लुक कुछ ऐसा, इधर आओ। भाभी का लुक कुछ ऐसा है आज, अच्छा लग रहा है ये सूट। बट भाभी खुद लाई थी मार्केट से, मैं नहीं गई थी भाभी के साथ। चलो छुट्टी। भैया कह रहे हैं ये समोसे, पानी का कैंपर, चटनी सुटनी सब कुछ हटा दे। आज पहला व्रत है। हम ब्लॉग देख रहे हैं फिलहाल, तो पहले वाला ब्लॉग देख रहे हैं। आप अगले ब्लॉग की तैयारी करो। ब्लॉग की चल रहा है। नहीं नहीं, एक दो से कहां पे आया? पापा लाए हैं, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं बनवाया आपसे, हम लोगों ने बाजार से मंगा कर खाया है। भाभी के मुंह में पानी आ रहा है भैया। नहीं नहीं पानी नहीं आ रहा मेरा, दूर हट के खुशबू भी नहीं आनी चाहिए। अरे मेरा कहना मतलब एक ही लोड थी आमदी। तो आप बनाते खाना फिर, राजमा चावल बना दो हमारे लिए। मेरे हाथ व्रत है, बनेगा इनसे राजमा चावल तो नहीं बनते, सेम फेवरेट है। यार एक खाने के सामने बहुत टेस्टी है। भैया ने कहा भाभी के साथ रहना है, एक जना भाभी कुछ खाना दे। हमारे यहाँ बड़ी मजाक चल रही है, मजाक कर रहे हैं, वैसे नहीं कि भाभी कुछ खा लेंगी यार, मजाक। तो हम बना रहे हैं भैया भाभी की वीडियो यहाँ पर, और ये देखना आप भैया भाभी के चंजर पेज पे, मिस्टर एंड मिसेस अरोरे हम। अभी कहाँ गए थे आप ये बताओ, स्प्रेड करने भैया। भैया पता क्या कह रहे, क्या कह रहे? भैया ने ना समोसा खाया, भैया मुझे कह रहे पक्का शिवानी नैपकिन लेने गई होगी। भाई खा लिया था, भैया ने सोचा नैपकिन आएगी। आज ही मुझे बोला, आज ही बेइज्जती हो गई। देखो देखो गाइस, मैंने रखा था हाफ करवा चौथ आज, रात को 12 बजे खाना खाया था, और अब टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रहे हैं ना, 2 बज गए मतलब तो 14 घंटे का व्रत रख लिया मैंने का। अब खाया और आपने सुबह खाया ना, सर्गी की है, अब आप रात खाना तो वही 14 घंटे का ही होगा। हो गया तुसी बोल ले, हुण मैं बोल दिया। देखो तुसी राती 12 बजे खाना खाया सी कंप्लीट, उस तो बाद तो तुसी सो गई थी, तो भूख किथों लगनी है? तुसी ने सुते सी, क्यों सो गए यार, पेट तो खाली ना, केड़ा तुसी उठाया मैनू, मैं तो उठ गई थी 3 बजे, खाना बच गया सी। मैंने सुबह 3 बजे देखो गाइस, मैंने सुबह कुछ नहीं खाया, ठीक है, पानी तक नहीं पिया, एक घुट पानी पिया था सर्गी के टाइम पे बस। उस तो बस सारी सर्गी कंप्लीट हो गई है, सर्गी सारी मेरे से पूरे 14 घंटे बाद खा रहा हूँ। इन्होंने सुबह खाया था 5 बजे, मैंने रात को नहीं। वैसे देखो भैया ने 14 घंटे बाद खाया, आप सर्गी के बाद 14 घंटे बाद खाओगे तो बराबर है, पर टाइमिंग अलग अलग थी बस। चलो फिर मेरा तो बड़ा खुल गया भैया, अब मेरा चांद सामने बैठा है, इनका चांद ऊपर, रात को आएगा वो देखेंगे। और ये समोसे वगैरह निपटा, उस सुबह ना डिब्बा पड़ा था मिठाई का यहाँ पे रसगुल्ले, भैया कह रहे सोनम जल्दी हटा दे से। नहीं भूखी नहीं है जिन्हें तुम्हें लगता है,
ਬਾਬੀ ਕਰੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਵਲੌਗ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨਮ ਦੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਮ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਸੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸ ਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਚੈਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ मम्मी पापा और भैया तो मेरे से पहले हिंदी में ही बोलते रहे आपको भी एकदम हिंदी की आदत पड़ी ना आज तक पंजाबी में बात नहीं करी तो ये मेरे साथ हर कोई हिंदी बोलता है मैं पंजाबी में क्या बोलूं पता ही नहीं चलेगा सामने पहले से पंजाबी में बोलते हैं तो फिर ना हां मैं पहला तो पंजाबी बोलती नहीं मेरे दादाजी बाऊजी हो गए मम्मी पापा हो गए सारे ना पंजाबी जब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪ ਐਸੀ ਹੈਬਿਟ ਪੜ ਗਈ ਨਾ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਉਹ ਨੇਚਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਅਗਰ ਭਈਆ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਤੇ ਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਣੀ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋ ਕਾ ਪੜ ਰਹੀ ਤੇ ਸੋਨਮ ਕੋ ਪੜ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋ ਪੜੀ ਤਾਂ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਪੜ ਰਹੀ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਡਾਟ ਪੜਤੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਡਾਟ ਪੜ ਰਹੀ ਹੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ और पंजाबी में पढ़ी हो तो मैं शांति से बैठती हूँ मुझे पढ़ी नहीं रही इनको पढ़ी है इंजेक्शन लगवाने काके को इंजेक्शन लगना इंजेक्शन आज अपने आप ही स्कूटी पे चढ़ के बैठ गया नहीं जाना कार पे जाएंगे हम कार पे भी गाड़ी पे क्यों ले जाना है गाड़ी पे जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ मैंने कहा भाभी आप भी आ जाओ चलो कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने चले कुत्ता भी डर जाएगा डॉक्टर डॉक्टर डर जाएगा नहीं कुत्ता कहेगा इंजेक्शन लगवाने ले जा रहे हैं एडमिट कराने जा रहे हैं है नहीं नहीं ऐसे मत कहो भाई आ जाओ भाभी अरे मम्मी को तो बोला हूं मम्मी को भी लेके जाना है अरे ठीक है बोलो इधर से जाना है हमने चलो काके वो बैठेगा देखना कैसे उस साइड बैठता है ना कोई सोच रही है क्या कर रही है ऐसा करते हैं भाभी के सामने कुछ खा के आए गोलगप्पे खा के आते खा लेगी काके को लग रहा है आज कुछ हो रहा है क्योंकि ऐसे हम गाड़ी में इसे बिठा ही नहीं रहे बहुत टाइम से गाड़ी में बैठा ही नहीं है आगे बैठेगा अभी बाबू चलो पीपी पीपी जाएगा पीपी देखना सीधा कैमरे में देख रहा था भाभी की आदत है हमने कहीं भी जाना ना उन्होंने पानी की बोतल साथ में जरूर लेनी है भैया करे कहीं पानी की बोतल लेने तो नहीं गई काका इसको टेंशन हो रही है इसको पता चल गया इसको पहचान हो रही है उधर मत लिया अभी उधर मत लिया डर गया ये तू अस्पताल देख लिया ना लोग पहचान लिया उसने कहीं नहीं आना कहीं बैठ जा कुछ नहीं होता काके कुछ नहीं कुछ नहीं होगा देखिए अपनी पीपी तो उधर है ना हमारी वो देख पीपी तो उधर है नेक्स्ट वो लेके आना कपड़ा वहां देंगे पांच इंजेक्शन है और भी कैसे चाबी तो नहीं चाबी लगी हुई थी गाड़ी में कर लिया पांच अलग-अलग इंजेक्शन लगेंगे बस दांत वगैरह ना मार दे ये नहीं काटेगा नहीं पर परेशान करेगा बहुत नहीं 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 उसे कार के नीचे रहने देना अरे काका भाग गया नहीं कार के नीचे है वो अरे इसकी संगली टूट गई है अब इसके लिए ये मुंह बंद करने वाला लाए हैं इतने प्यार से नहीं लगवाएगा वो अरे कुछ नहीं है ये अरे कुछ नहीं है बाबू सिर्फ तू लगा कुछ नहीं है ना मेरा बाबू इतने में मैं लगा दूं एसी चल गया और डॉगी इतने सारे आए हैं बाहर वो डॉगी आ गए चलो चलो और ये भैया गए दवाई लेने इतनी तेज भागा पीछे नहीं ना नो 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 जितना लगाने लगा कितने लग गए हाय रे बाबू ना ना नहीं नहीं ना बच्चा नहीं नहीं ना 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 बाबू ना इतना नाजुक है नहीं शेर है तू हमारा
नहीं 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 आपसे दुश्मनी हो गई अंकल इसकी। तीन चार बार ऐसे भाग चुका है और वो उसके लिए बोलने लगा है। नहीं वो एसी में बैठेगा ना ठीक हो जाएगा। बैठ गया गाड़ी में। आए आए उसे दर्द हो रहा है। ये वहाँ बैठा है, हमें गाड़ी रोकनी पड़ी है रास्ते में कि गाड़ी कैसे चलाएंगे। आए नशे में कैसे हुआ पड़े। इसको ना वॉमिटिंग हो रही थी और बहुत ज्यादा, मतलब जब भी खाना खा रहा था तो इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो वो कह रहे कि मतलब सही टाइम पे क्या हम लेट ही हो गए इसको डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि भैया पापा घर पे नहीं थे। तो अब फिर कल जाना है, कल हाँ कल फिर जाना। तो भाभी जा रही है पार्लर। जा रहे हो मम्मी? आपने नहीं जाना पार्लर? मम्मी ने कैंसिल कर दिया, मम्मी का मन नहीं है। क्यों? हेयर स्टाइल बनवाया हो? कौन जावे था घंटा घंटा बैठा रहता घर का कौन। तो मम्मी ने तैयार कर लिए पूजा की थाली कर लिए। मम्मी तैयार कितनी देर में होने अपने? तो मम्मी ने तो घर पे ही रेडी होना है। भाभी पार्लर चली गई है, मम्मी घर पे रेडी होंगी। तो अभी 7 बजे इन्होंने मंदिर जाना है। तो मंदिर मैंने नहीं जाना। पता है जब हम छोटे होते थे ना तो हम शाम के टाइम पे करवा चौथ वाले दिन शाम के टाइम पे ग्रिल पे खड़े हो जाते थे या छत पे या नीचे चले जाते थे कि बहुत सुंदर सुंदर लेडीज जाएंगी, लेडीज तैयार होकर निकलती थी। तो बड़ा होता था ऐसा मोस्टली सभी लोग करते होंगे ना, अब नहीं रहा ऐसा कोई शौक। अब तो पहले मैं मम्मा साथ मंदिर भी जाती थी, अब नहीं जाती। तो मम्मी को रेडी कर रही हूँ मैं। इधर से जरा ये लग गया। तो मैं कर रही हूँ मम्मी को रेडी। क्या मैं कह रही हूँ? बस बिंदी लगी हुई है, लिपस्टिक लगा। मतलब कि ज़्यादा मम्मी को रेडी नहीं होना। मम्मी कह रही मैं थकी हुई हूँ नॉर्मल जितना, तो मेरे से जितना होता देखते हैं क्या करती हूँ आज मैं। लाइनर नहीं लगाना? जल्दी लाइनर जो मर्जी लगा दे। लाइनर लगा दूँ? चलो मैं लाती। तो मम्मी को रेडी कर दिया है, अभी लाइनर सूख रहा है। अभी देखते हैं मम्मी को मैंने बनाया क्या, क्योंकि अभी मम्मी ने अपना फेस नहीं देखा है। मम्मी अभी देखेंगी जब लाइनर सूख जाएगा।